ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज का वाला जो गेम प्ले ये भी एकदम फुल खतरनाक है, लेकिन इस वाले मैच के अंदर हम किसी भी होटल पर नहीं जाते, उल्टा हम आते हैं इस अम्यूजमेंट पार्क पर। अब यहाँ पर आज से पहले मैं इस जगह पर कभी नहीं आया, लेकिन भाई यहाँ पर मैं आता हूँ और भाई उतरती एक तो इतनी जबरदस्त लूट होती है और भाई बंदे भी भर कर आ जाते हैं, तो देखना इन सबको कैसे फोड़ेंगे। तो भाई शुरू में तो उतरते 3 किल इतनी जल्दी हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। अब उसके बाद आगे की तरफ भी एक स्क्वाड थी तो उनको भी फोड़ेंगे, लेकिन यार वो थोड़ी सी मतलब एकदम थोड़ा होल्ड करके खेल रही थी। तो भाई यहाँ पर तो मैं 2 बंदे इनके फटाफट नॉक कर देता हूँ, लेकिन जो बाकी 2 होते हैं ना भाई एकदम फुल अलर्ट हो जाते हैं और भाई अब देखना मतलब कि कभी राइट जाएंगे कभी लेफ्ट जाएंगे, देखते जाओ। तो भाई ये बंदा वो जो गोल गोल से नहीं आया बम्पर्स, पता नहीं क्या कहते हैं उन्हें, जिसके ऊपर से ऊंची जंप सी लग जाते हैं, उससे खेल रहा था। तो मैंने कहा रुक जा बेटा, अब तो तेरी कुटाई बहुत गंदी वाली पक्की है। खैर यहाँ पर तो इन दोनों को बहुत ही बुरी तरह नॉकडाउन कर देते हैं। अब यार मुझे ना कमेंट में जरूर बताना कि जब से न्यू अपडेट आया आपको हर मैच में लगभग कितने बोट मिल जाते हैं। तो भाई अगर मैं अपने बताऊँ तो यार मुझे 5 बोट तो आराम से मिल जाते हैं, मतलब यार पबजी वालों ने ना बोट बढ़ा दिए हैं, एंड जोन में भी बोट्स आ जाते हैं। तो आपको कितने मिलते हैं कमेंट में जरूर बताना। खैर यहाँ पर मैं इनको मार के लूटने ही लग जाता हूँ, तभी सामने की तरफ से एक US आ जाता है और भाई साहब उस बंदे को देखना लूटने आता है यहाँ पर वो। तो भाई जो बंदा अपने टीममेट्स को वहीं पर छोड़कर गाड़ी लेकर आता है जल्दबाजी में, उसको तो लपेट देते हैं, लेकिन बाकी जो 2 बंदे होते हैं उसमें से भी मैं एक नॉकडाउन कर देता हूँ, एक बचता है, और वहां पर चलकर भाई दोनों की कुटाई लगाएंगे। तो एक बंदे को तो मैं गाड़ी से कुचल के मार देता हूँ, लेकिन जैसी गाड़ी वापस घुमा कर लाता हूँ तो दूसरा वाला जो होता है वो सांप बन जाता है, तो अब इसको भी फोड़ेंगे। तो भाई साहब ये बंदा मेरे आगे आके गन चेंज कर रहा होता है और भाई इसको मैं TPU से FAU स्विच करके लपेट देता हूँ। अब यहाँ पर गाड़ी लेकर सीधा मैं चले जाता हूँ पोचिंग की पर। अब मेरे वार्डरोब में 2 ड्रेस सेट है तो मैं अपना ड्रेस स्विच कर लेता हूँ। अब यार मुझे कमेंट में ना ये जरूर बताना कि मेरी ये वाली ड्रेस अच्छी लगती है या फिर वो जो ब्लैक वाली 100 RP की है, क्योंकि ये जो मेरी ड्रेस है ना ये भाई मैं Season 3 से पहन रहा हूँ और भाई मेरी फेवरेट ड्रेस है, आपका बतानी आप कमेंट में जरूर बताना। तो भाई साहब यहाँ पर पहले से लगता है कि बॉट है तो ये मुझे मारने लग जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है ना कि रियल प्लेयर है, भाई ये बंदा इतनी तेज यहाँ से कल्टी होता है, मतलब भागता है जैसे वो ट्रेन नहीं जाती राजधानी, उस स्पीड से यहाँ से निकलता है भाई। अब इसे देखते जाओ हम कैसे पकड़ के लपेटेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर तो मैं इसको नॉक करके फटाफट से फिनिश कर देता हूँ, और यार इसका कोई टीममेट यहाँ पर आता ही नहीं इसे बचाने, मतलब कि यार कोई होता ही नहीं, बेचारा अकेला होता है इसलिए भग रहा होता है। अब यहाँ पर जैसे ही बाइक आके लाता हूँ तभी एक गाड़ी खड़ी हुई दिखती है और राइट से फूट जाते हैं, लेकिन ये तो अपना बॉट था।
तो भाई साहब यहाँ पर इसको मारने के बाद मैं अपनी बाइक लेके आगे तरफ जा ही रहा था, तभी भैया बग्गी में देखना कौन दिख जाएगा। तो भाई ये बंदा मुंह पे कोरोना वायरस का मास्क लगाकर अच्छा खासा घूम रहा था बग्गी में, लेकिन इसका नेट वेट चला गया होगा तो ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अब यहाँ पर एक पूरी की पूरी स्क्वाड मेरे पर रश कर देगी, लेकिन चारों बंदों को इतनी तेज मारेंगे ना भाई, देखते जाओ। तो भाई जब मैं लो था और वो जो बंदा था बग्गी के पीछे आकर खड़ा हो गया था ना, उस सिचुएशन में मुझे लगा था कि भाई अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं एक घनी घास में सांप बना पड़ा था जहरीले वाला, उस बंदे को मैं दिखाई नहीं और भाई मैंने उसे ढस लिया यहाँ पर आराम से। अब यहाँ पर बचे थे 15 बंदे लाइफ, जिसमें से एक मैं था और खूब सारे बोट भी थे, पता नहीं क्या हो गया बहुत बोट आ रहे हैं। तो एक बोट तो यही था जिसे मैंने पीछे लपेट दिया। तो भाई सीजन के स्टार्टिंग में सभी के सिर पे भूत सवार रहता है रैंक पुशिंग का, तो भाई मतलब बंदे जल्दी मिलते ही नहीं है, बट फाइनली इस घरों में आकर बंदे दिखते हैं। और अब देखना भाई साहब ये जितना फ्री फायर दे रहे हैं ना, उनकी इतनी ही जबरदस्त पिटाई होगी। अब पीछे की तरफ एक बंदे को तो हम नॉकडाउन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इसके बाकी टीममेट बचे हुए थे तो पहले इसको फिनिश करेंगे क्योंकि अपने को किल चाहिए। तो यार इसका जो टीममेट होता है ना, पहले तो यहाँ पर इधर उधर घूम के टीपी भी लेते रहता है, बट एट द एंड भाई गाड़ी लेकर ऐसे भागता है ना, मतलब भाई देखते जाओ। तो भाई ये बंदा दिमाग लगाकर यहाँ पर से सही टाइम पर निकल गया, क्योंकि इसके बाद मैं इसके ऊपर रश करने ही वाला था। अभी वहाँ पर जैसे पहुँचा ना तो सामने से बंदे से मारने लग गए, अब मैं इसको पीछे से मारूंगा तो ये बेचारा बीच में फंस के मर जाएगा। तो भाई मैंने तो इसको यहाँ पर लपेट दिया, बेचारे इसकी बहुत ही बुरी हालत हो गई, मतलब कि यार बेचारे को पीछे वाले घरों से भी पड़ रही है और इधर से मैं भी लपेट रहा। अब यहाँ पर घरों में भी बंदे थे तो उनको भी नहीं मारेंगे क्योंकि पहले हमें जोन में जाना है। तो भाई साहब वहां से भागने के बाद सीधा मैं आ गया यहाँ पर डबल बर्न हाउस से, और यहाँ पर ऑलरेडी एक स्क्वाड लगी हुई थी, अंदर बंदा देखना क्या था। तो भाई अब बचे थे वो लोग जो कि घरों में बैठे थे, तो उन्हें भी जोन में आना था, तो भैया उनको जोन में आने से पहले ही कूटेंगे। अब मेरे को वो बंदे दिख गए थे तो सबसे पहले मैं जाऊंगा कवर पर और दोनों के बचा देंगे M4 का स्प्रे। अब यहाँ पर इसको मैं जस्ट मारना शुरू ही करता हूँ, बेचारे का पैर फिसलता है और ये जाकर गिर जाता है सीधा जमीन पर मुंह के बल, मतलब कि ऐसी ठक्कर पड़ते हैं इसके सिर पे, वहीं खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ एक बंदा, अब आप समझ जाओ वो बंदा कौन महान हस्ती बची हुई है, तो भैया अभी आपको पता ही चल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही मैं बंदे बंदे ढूंढने लग गया, ड्रॉप श्रॉप लूट रहा था आराम से कि भैया तगड़ा बंदा होगा आराम से फाइट लेंगे, लेकिन एंड देखना कैसा होगा।
ओ भाई मारो मारो मुझे मारो भाई, मतलब कि यार क्या मजाक हो रहा है भाई। बोट हैशटैग सेकंड रैंक ले आया, मतलब कि भाई साहब ऐसा ही चलता रहा ना तो भाई आने वाले टाइम में कॉनकरर में बोट्स बैठेंगे टॉप पर। मतलब भाई हर मैच में सेकंड थर्ड रैंक लाने पे माइनस तो होती नहीं है, ये प्लस कराते रहेंगे आराम से और टॉप पर जाके बैठ जाएंगे। तो चलो यार कोई बात नहीं है, तो एक फन फैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बोट के शुरू में उतरते ही कुटाई भी होती है। तो चलो यार कोई बात नहीं, आज के वीडियो में इतने। अगर आपको वाली वीडियो जो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो जगह लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर फॉलो नहीं करा तो गाइस लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाकर फॉलो कर लो। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।